कर लिया है, ये देखिए फुल डाइट हो गया सो है। इसके बाद हम लोग प्लेट लगा के देखना चाहिए, प्लेट लगा के देखना चाहिए कि आपकी दात्री ऊपर है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मैं प्लेट लगाया हूँ ऊपर, उसके बाद आपकी दात्री जो है इसको ऊपर लगती है। हेलो दोस्तों, इसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलाई मशीन का दात्री खराब हो गए है तो कैसे चेंज करना चाहिए और कैसे सेट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये नई दात्री को सेट करके आपको बताएंगे कि सिलाई मशीन में दात्री कैसे चेंज किया जाता है और उसको कैसे सेट करके सिलाई चालू कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों देख, ये देखिए दोस्तों, अभी मैं फिलहाल दात्री चेंज कर रहा हूँ। अब इसको, ये दात्री के नट खोलना है तो इस दात्री को ऐसे नीचे से पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो ही पकड़ के ऐसा ही खोल दिए तो आपकी मशीन की चिमटी टूट जाती है। इसीलिए इस तरह नीचे से पकड़ के आप इन दोनों नटों को खोल लेना चाहिए, ऐसे ऐसा लंबा स्क्रूड्राइवर लेकर इस तरह से इस दो स्क्रू को खोल लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ऐसा पकड़ के ही खोल लेना चाहिए, नहीं तो आपकी जो मशीन की जो चिमटा रहता है, ये दात्री का चिमटा, वो टूट जाता है। इसीलिए इसको ऐसा पकड़ के ही खोल लेना चाहिए। अब ये खुल गया देखिए, और ये वाला दूसरे को भी ऐसे ही खोल लेंगे इस तरह से। इस तरह से इन दोनों नटों को खोल लेना चाहिए, आप वैसे ही खोले तो आपके मशीन का चिमटा टूट जाता है। इस तरह से उन दोनों नटों को खोल लेना चाहिए। आप दात्री खोलते वक्त आप सुई भी निकाल लेना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ को लगेगा, सुई नीचे आके हाथ को लगता है, इसीलिए सुई भी निकाल लेना चाहिए दात्री खोलते वक्त। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों नटों को खोल दिया मैंने, अभी ऐसे खोल के इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, दात्री बाहर आ गया। ये जगह में थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए, क्लीन करके वैसे ही ये दो नट को इस नए वाले में डाल लेना चाहिए। नए वाले में डाल लेके इसको फिट कर लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी फिलहाल चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से अंदर नटों को डाल के वैसे ही फिट कर लेना चाहिए। आप ऐसे फिट करें तो भी आपका मशीन चलता है बोलने का नहीं रहता, कभी कभी दात्री भी आपकी दात्री नीचे रहती है। अगर से दात्री आपकी बहुत नीचे रही तो आपका कपड़ा नहीं खींचेगा, और दात्री कभी कभी पीछे रहती है ना तो कभी कभी आगे रहती है, वैसे में भी आपका कपड़ा नहीं खींचेगा। वैसे के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और प्लेट वे लगा के बताऊंगा। देखिए अभी कैसा लगाता हूँ, अब इन दोनों नटों को टाइट कर लेता हूँ। इस तरह से इन दोनों नटों को टाइट कर लेना चाहिए, और इस तरह से पकड़ के ही टाइट कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके दात्री का चिमटा टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मैं इन दोनों नटों को टाइट कर लिया है, ये देखिए फुल टाइट हो गया सो है। इसके बाद हम लोग प्लेट लगा के देखना चाहिए, प्लेट लगा के देखना चाहिए कि आपकी दात्री ऊपर है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मैं प्लेट लगाया हूँ ऊपर, उसके बाद आपकी दात्री जो है इसको ऊपर लगती है तो ऐसा ऊपर लगना चाहिए, हाथ फिरा के देखना चाहिए तो दात्री आपकी हाथ को लगना चाहिए, तभी आपकी दात्री ऊपर है समझ लेना चाहिए। अगर से नीचे नीचे रहा तो यहाँ पे एक नीचे साइड में एक नट रहता है, उसको
ये लूज करके ज़रा दात्री को ऊपर कर लेना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ही बताऊंगा कैसे दात्री को ऊपर किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों नटों को टाइट करके मैं आपको सेट करने का बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि दात्री को कैसे ऊपर कर किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को वहीं तक समाप्त करूंगा। इसको फिट करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे फिट करना है। इन दोनों नटों को ऐसे टाइट कर लेना चाहिए। अब इसको चला के बताऊंगा। ये देखिए, ऐसे चला के देखना चाहिए तो आपकी दात्री अंदर ही, ये जो गाला है ना, इसी के अंदर ही घूमना चाहिए। ये देखिए, ऐसे इसी के अंदर घूमना चाहिए। अगर से नहीं तो आपका जो दात्री है ये प्लेस में लगता है, ऊपर ये साइड में भी लगता है, पीछे साइड में, न तो सामने साइड में भी लगेगा, यहाँ पे भी लगता है, न तो यहाँ पे भी लगता है। वैसा लग रहे तो क्या करना चाहिए वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, अभी इसको सेट करने का ही बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी प्लेट के नट को टाइट कर लिया मैंने। ये हो गया देखिए टाइट। अब उसके बाद आप टेंशन हुए लगा लीजिए, आपके मशीन नई दात्री से चलने लगेगी, कपड़ा भी खींचने लगेगी। अब मैं इस कपड़े को लगा के बताऊंगा। जो कपड़ा आगे भागता है ना देखने के लिए, बस ये देखिए दोस्तों, कपड़ा आगे भाग रहा है ना, ये देखिए कपड़ा आगे भाग रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, राइट, ये वाला दात्री सेटिंग करेक्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि दात्री को कैसे ऊपर किया जाता है और उसको कैसे कैसे सेट करना चाहिए, कौन सा नट टाइट करके आप दात्री लूज टाइट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।